प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक प्री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस एडमिट कार्ड को अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि आयोग द्वारा बिहार 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 30 सितंबर 2022 को 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन आयोग ने नोटिस जारी कर परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी थी। बता दें कि अभ्यर्थियों को डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, इसलिए तय समय के अंदर अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड अवश्य डाउनलोड कर लेना चाहिए। आयोग के मुताबिक बिना एडमिट कार्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीपीएससी की वेबसाइट के अनुसार परीक्षा में अभ्यर्थियों से करंट अफेयर्स, इतिहास, सामान्य विज्ञान, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजनीति सहित अन्य विषयों से कुल 150 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को हल करने के लिए कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को फिर मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 802 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना होगा, जबकि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को 32% अंक हासिल करना अनिवार्य है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।